नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है आगरा कैंट होशियारपुर एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आगरा छावनी से होशियारपुर तक चलने वाली आगरा कैंट होशियारपुर एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि पहले दिल्ली से स्टार्ट होती थी। अब ये जो ट्रेन है आगरा कैंट से स्टार्ट कर दी गई है। काफ़ी देर पहले से ही आगरा से एक्सटेंड हो चुकी है, 23 मार्च से आगरा से एक्सटेंड हो चुकी है। तो ये जो ट्रेन है डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। आगरा कैंट से रोजाना चलती है होशियारपुर के लिए, और आगरा कैंट से होशियारपुर की जो दूरी है तकरीबन 14 घंटे 10 मिनट में कवर करती है, और इसके तकरीबन 14 स्टेशन हैं और 651 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 46 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। आईसीएफ कोचेस वाली ट्रेन है। अगर टिकट किराए के बारे में बात करें तो मैं जो भी आपको आगरा कैंट होशियारपुर एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो आगरा कैंट से होशियारपुर तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे के टिकट काउंटर या वेबसाइट से कन्फर्म जरूर कर सकते हैं, वहाँ से आपको सही किराया जो है कन्फर्म हो जाएंगे। तो आगरा कैंट होशियारपुर एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी के कोच का जो किराया है वो है 2410 रुपये, जिसमें 2235 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये, जीएसटी चार्ज 115 रुपये है। टोटल टिकट किराया 2410 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड एसी के कोच भी हैं। सेकंड एसी का जो किराया है वो है 1440 रुपये, जिसमें 1321 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, जीएसटी चार्ज 70 रुपये है। टोटल टिकट किराया 1440 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड एसी के भी कोच हैं। थर्ड एसी के दो कोच हैं, जिसका टिकट किराया जो है आगरा कैंट से होशियारपुर तक का है 1010 रुपये, जिसमें 922 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, 48 रुपये जीएसटी चार्ज शामिल है। टोटल किराया 1010 रुपये है। इसके अलावा स्लीपर क्लास के तकरीबन इस ट्रेन में 5 कोच हैं, जिसका आगरा कैंट से होशियारपुर तक का किराया है 375 रुपये, जिसमें 355 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। टोटल टिकट किराया 375 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों के तकरीबन 6 कोच हैं, जिसका आगरा कैंट से होशियारपुर तक का किराया है 185 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट या यूटीएस ऐप से भी किराया जो है चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं आगरा कैंट होशियारपुर एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में, और जान लेते हैं कौन कौन से स्टेशन आते हैं। आगरा कैंट होशियारपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो है आगरा कैंट से हर रोज़ शाम के 7:10 पर रवाना होती है, और 14 घंटे 10 मिनट बाद अगले दिन सुबह 9:20 पर यह होशियारपुर में पहुँचती है। इसके तकरीबन 14 स्टेशन हैं और 651 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 46 किलोमीटर पर आवर है। जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है मथुरा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 7:53 पर पहुँचती है और 7:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है कोसी कला में पहुँचती है। कोसी कला उत्तर प्रदेश में रात के 10:23 पर पहुंचती है और 10:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन जो है रात के 10:10 पर पहुंचती है और 10:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। शानी पंजाब एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोला, यशवंतपुर एसी एक्सप्रेस और कई अन्य ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पानीपत जंक्शन हरियाणा में पहुंचती है रात के 11:50 के करीब और 11:51 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 284 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। पानीपत जंक्शन का स्टेशन कोड है PNP। इसके बाद करनाल रेलवे स्टेशन हरियाणा में रात के 12:13 पर पहुँचती है और 12:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 320 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है हरियाणा के आखिरी स्टेशन अम्बाला कैंट जंक्शन में पहुँचती है रात के 2:18 पर और 2:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 12 मिनट का स्टॉप है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस और जम्मू तवी टाटानगर एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद चंडीगढ़ जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 3:13 पर पहुँचती है और 3:13
30 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 17 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 440 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है लुधियाना जंक्शन में पहुँचती है। लुधियाना जंक्शन पंजाब का पहला स्टेशन है और 5:57 सुबह पहुँचती है और 6:07 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 268 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। फगवाड़ा जंक्शन पंजाब में सुबह 6:46 पर पहुँचती है और 6:48 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 604 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और सचखंड एक्सप्रेस के साथ डेली क्रॉसिंग होती है। इसके बाद जलंधर सिटी जंक्शन में सुबह 7:20 पर पहुँचती है और 7:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 25 मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। यहाँ पर इसका इंजन जो है रिवर्स होता है, इलेक्ट्रिक इंजन से डीजल इंजन लगता है। फिर ये ट्रेन जो है जलंधर कैंट जंक्शन में पहुँचती है सुबह 7:54 पर और 7:56 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, तीन नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है पंजाब के खुर्दपुर रेलवे स्टेशन पे सुबह 8:18 पर पहुँचती है और 8:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। होशियारपुर जलंधर सिटी डेमू ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद आगरा कैंट होशियारपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो है फाइनली अपने आखिरी स्टेशन होशियारपुर रेलवे स्टेशन पंजाब में सुबह 9:20 पर पहुँचती है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल दूरी है ये 651 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ आगरा कैंट होशियारपुर एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियो बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इस तरह इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।